केस थी, सुप्रीम कोर्ट के जज ने 21 पार्टी के साथ क्लब कर दिया, उनके केस पर जजमेंट दिया, मेरे केस पर 6 तारीख का जजमेंट दिया 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को जजमेंट देने के बाद सुप्रीम 21 पार्टी के लोगों ने गुप्त मीटिंग ली। उस गुप्त मीटिंग में मेरा भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर था, वहां उन्होंने निर्णय लिया कि घोटाला होने वाला है। 23 तारीख को शाम को 7 बजे सारे देश भर में जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देश भर में किया जाए। निर्णय होने के बाद उसको उन्होंने गुप्त रखा, मगर सीक्रेट एजेंसियों को जानकारी मिली। जब सीक्रेट एजेंसियों को जानकारी मिली तो सीक्रेट एजेंसियों ने इनपुट होम अफेयर्स ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह को दिया। राजनाथ सिंह ने 23 तारीख को काउंटिंग होने वाली थी, 22 तारीख को सर्कुलर इशू किया ऑल इंडिया में कि 23 तारीख को राष्ट्रव्यापी हिंसा चुनाव रिजल्ट आने के बाद होने वाली है, ऐसा सर्कुलर, देशव्यापी सर्कुलर उसने इशू किया। भारत के सांसदीय चुनावी इतिहास में इसके पहले ऐसा कोई सर्कुलर इशू नहीं हुआ था। वो सर्कुलर इशू हुआ, सर्कुलर इशू होने का आधार था इनपुट। टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा कि उनको सीक्रेट एजेंसी ने इनपुट दिया, जो कि मैं तो सारी सीक्रेट बातों में हमारे लोग शामिल थे तो मुझे सारी इंटरनल जानकारी थी, इसके आधार पर बता रहा हूं। फिर उसके बाद में शाम को 4 बजे 23 तारीख को 4 और 5 के दरमियान राहुल गांधी टीवी पर आए और कहा मोदी जी चुनाव जीतने की बधाई, जबकि 4 और 5 के दरमियान एक भी रिजल्ट बीजेपी के फेवर में नहीं था। रुझान चल रहा था, ट्रेंड्स दिखाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार हर विधानसभा के 5 बूथ का मिलान करने के बाद ही रिजल्ट घोषित होगा और वो गिनती रात के 10 बजे से शुरू होने वाली थी और रात के 2 बजे तक उसका मामला रिजल्ट आने वाला था। 4 और 5 के दरमियान राहुल गांधी को आकर बधाई देने का कोई वजह नहीं था। राहुल गांधी ने बधाई क्यों दी? क्योंकि जब ये सर्कुलर इशू हुआ तो आरएसएस सक्रिय हुआ और आरएसएस ने सोनिया गांधी मनमोहन सिंह से संपर्क किया और कहा कि देखो आपका हमारे साथ समझौता हुआ, 2 बार घोटाला आपने किया, 2 बार हमको करने किया हमारा समझौता, आप अभी 21 पार्टी को लीड कर रहे हैं, देश भर में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, जनता में भारी असंतोष ईवीएम के विरोध में है, अगर 21 पार्टी के लोग लीड करेंगे तो जनता को आंदोलन करने के लिए नेतृत्व मिल जाएगा, अगर जनता को आंदोलन करने के लिए नेतृत्व मिल जाएगा तो राष्ट्रव्यापी हिंसा हुए बगैर रहेगी नहीं, इसलिए हम लोगों को भी आपका जो कच्चा चिट्ठा घोटाला का है, आपने घोटाला किया 4 और 9 को, वो भी हम सार्वजनिक करेंगे, आप बोलेंगे हम भी करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे। जब ये आरएसएस ने कांग्रेस को संपर्क करके याद दिलाया तो कांग्रेस ने राहुल को कहा बधाई देने के लिए जाना, कहा कि बाद में बधाई देंगे, रात में देने की ना, 7 बजे आंदोलन शुरू हो करा उसके पहले देना पड़ेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो रीजनल पार्टियों के साथ डिसाइड हुआ है। जब 4 और 5 को राहुल गांधी ने बयान दिया तो कांग्रेस ने सैबोटेज किया, रीजनल पार्टी के लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, वो भी अपने अपने राज्यों में चले गए और उन्होंने भी आंदोलन में विड्रॉ किया।